2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः हमको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री का जो ओहदा है वो श्रीमान अजय भट्ट जी को दिया, उसके लिए हम अपना धन्यवाद भी उनको ज्ञापित करना चाहते हैं। बस जब से हम लोग ने वोट देना सीखा है तब से बीजेपी वाले ही है। देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और आज आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजय भट्ट पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में हल्द्वानी में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह के साथ में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आज मैम आपको, पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बनकर यहाँ पर लौट रहे हैं, कैसा? बहुत ही उत्साह हो रहा है हम लोगों को, इतने हम बहुत खुशी में सभी लोग झूम रहे हैं, बहुत सारे जितने भी लोग हैं सारे खुश हैं। क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी सारी उम्मीदें तो पूरी करते ही हैं, अभी उम्मीदें क्या, अभी तो खुशी का माहौल है। अच्छा। खुशी में सब खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं अजय भट्ट जी का। तो कितने वक्त से आप बीजेपी की कार्यकर्ता है? बस जब से हम लोग ने वोट देना सीखा है तब से बीजेपी वाले ही है। बीजेपी को ही दिया है हमने, पहला वोट बीजेपी को दिया है। बीजेपी के कामकाज से तो फिर आप बहुत खुश होंगे? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बुराई भी बहुत करते हैं, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। लेकिन आप में खुशी है कि आज पहली बार मतलब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में आ रहे हैं बीजेपी के? हेलो, हाँ जी, मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है और मैं बीजेपी के कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं भी बहुत टाइम से बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बुआ भी पार्षद है थी यहाँ बीना जोशी, और अब मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा इस लाइन में निकलूँ आगे को, और बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम दिल से भट्ट जी का बहुत स्वागत करते हैं। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आज मेरे जीजाजी यहाँ पे मंत्री बन के आ रहे हैं। अच्छा। और मेरे जीजाजी उनने बहुत अच्छा काम यहाँ भी किया और आगे भी करेंगे, मेरे को बहुत खुशी है। अच्छा, तो यानी आपकी खुशी है कि आपके जीजाजी आ रहे हैं, इतनी सारी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है उन्हें कि उनके जीजाजी पहली बार मतलब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं, आप भीड़ भी देख सकते हैं पूरी, किस तरह से भीड़ आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी, शुरू से लेकर एंड तक लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। सर, तो कैसा उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो उत्तराखंड पर आए हैं, हल्द्वानी में आए हैं, तो कैसा जोश है कार्यकर्ताओं में? जन आशीर्वाद यात्रा में आप देख रहे होंगे कि क्या वातावरण है यहाँ पर, लगभग हर जगह युवा, महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा और आम नागरिक, साथ ही पूर्व सैनिक उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और सब लोग माननीय मोदी जी को, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल हमारे उत्तराखंड प्रदेश को दिया। माननीय पर्यटन मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री का जो ओहदा है वो श्रीमान अजय भट्ट जी को दिया, उसके लिए हम अपना धन्यवाद भी उनको ज्ञापित करना चाहते हैं। बहुत उत्साह है, और इतना उत्साह है कि मैं देख रहा था कि लगभग हल्द्वानी के कोने कोनों से लोग इस जनसभा में एकत्रित हो रहे हैं, इस रैली में एकत्रित हो रहे हैं, जगह जगह लोगों ने तैयारी कर रखी उनके अभिनंदन की, कहीं पे सैनिकों ने कर रखी, कहीं पे भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पैरामिलिट्री फोर्स, साथ ही भूतपूर्व लगभग सभी सीनियर सिटीजन से लेकर युवा मोर्चा, युवा सभी लोग उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक रैली के थ्रू आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने इतनी अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो अजय भट्ट जी को दी हैं। जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, इस बात का प्रमाण है कि इस समय मैं समझता हूँ कि 8 बज गया है लगभग, और 8 बजे तक अभी तक भी जन सैलाब कम नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः हमको अपना आशीर्वाद देने जा रही है, इसीलिए हम आशीर्वाद जो हमने यात्रा निकाली है जन आशीर्वाद, इसका मकसद भी यही है कि उनका प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहे। तो क्या लगता है 2022 में जीत पाएगी उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से?
पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। लेकिन सर बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे? बेरोजगारी के लिए बहुत सारी स्कीम्स हमने बनाई है। लेकिन सर धरातल पे तो कोई भी स्कीम काम नहीं कर रही। सारी स्कीम्स धरातल में है। मुख्यमंत्री की जो हमारे घोषणा करी है उन्होंने रोजगार योजना, उसकी है करने वाले के लिए, चाहे वो सुई का काम करे, संबल बनाए, यहाँ तक की व्यवस्था आर्थिक मदद भी हम लोग दे रहे हैं। अभी समूह गए की भर्तियाँ निकली हैं, 554 पद की भर्तियाँ निकली हैं और 1,43,703 लोगों ने आवेदन भरा। ठीक है, ठीक है, पद तो उतने ही भरे जाएंगे ना जितने पद हैं, बाकी तो सारे उद्योग लगाने हैं, धंधे लगाने हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर 200 टीचर की जगह है तो 200 टीचर्स ही तो अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे। अगर 100 डॉक्टर्स चाहिए तो 100 डॉक्टर्स ही तो लेंगे हम, उससे ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।